हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिनेश सार्डीवाला और आपका स्वागत है द हेल्थ वाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही कि सेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, सेक्स का नॉर्मल टाइम क्या होता है। दुनिया में मैक्सिमम पुरुषों को पता ही नहीं होता है कि सेक्स का नॉर्मल टाइम या सेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है। सेक्स के ऊपर रिसर्च करने वाली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी केंजी यूनिवर्सिटी, जिसने कई सारी कंट्रीज में रिसर्च किया, जैसे अमेरिका, जापान, टर्की, इंडिया, कई सारी कंट्री का उसने डेटा लिया और उसने ये पाया कि सेक्स का एवरेज टाइम 5.4 मिनट होता है, मतलब 5-5.5 मिनट होता है। और अगर हम रेंज की बात करें तो सेक्स की नॉर्मल रेंज होती है 2-10 मिनट। अगर आपका डिस्चार्ज 2-10 मिनट के अंदर हो रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। सेक्स के टाइमिंग के ऊपर समय समय में कई सारे रिसर्च होते रहे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च जो DSM-5 का है, जो अमेरिका में पब्लिश होता है, उसने बताया कि अगर आपका एजुकुलेशन अगर 1 मिनट से पहले हो जाता है तो आप प्रीमेच्योर एजुकुलेशन के शिकार हो, आपको शीघ्र पतन की बीमारी है। और अगर आपका एजुकुलेशन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट या 1 मिनट से ऊपर भी है तो आपको कोई प्रीमेच्योर एजुकुलेशन नहीं है। DSM-5 ने अपनी 3 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका बार बार 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका डिस्चार्ज 1 मिनट से पहले हो रहा है, और तीसरी कंडीशन ये है कि व्यक्ति की इच्छा होने से पहले इसका डिस्चार्ज हो जाता है, पहले उसका स्खलन हो जाता है। जैसे फीमेल सेक्स पार्टनर को उसने टच किया, टच करते उसका स्खलन हो गया। तो दोस्तों, अवेयर रहे और लोगों को अवेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि समाज में एक अवेयरनेस होए। हमारा उद्देश्य है समाज में सेक्स एजुकेशन को बढ़ाना, समाज को से यौन शिक्षा देना, ताकि समाज में यौन शिक्षा रहेगी तो ये यौन रोग है, जो ये गुप्त रोग है, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गुप्त रोग मोस्टली सोच से पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपका उसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।